हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल के सेशन में मार्केट कहां पर मूवमेंट दे सकता है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर मार्केट ये लेवल को 19,250 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में जो है वो निगेटिविटी फैल जाएगी और मार्केट डाउन साइड में चला जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें तो मार्केट जो है अभी डेली के चार्ट में जो है वो डाउन साइड में चल रहा है बहुत सारे दिनों से, तो अभी कल के सेशन में भी मार्केट जो है वो डाउन साइड में जा सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो था 19,250 का मार्केट के लिए निफ्टी में सपोर्ट था, उस सपोर्ट को आज मार्केट ने ब्रेक किया है, तो अब जो निफ्टी के लिए नेक्स्ट टारगेट बनेगा डाउन साइड में वो 18,880 का बनेगा। अगर हम छोटी टाइम फ्रेम में बात करें, अगर निफ्टी में 5 मिनट की टाइम फ्रेम में बात करें, तो आज जो था निफ्टी गैप अप खुली थी और गैप अप खुल के फिर से मार्केट डाउन साइड में आया है। ये है आज का डेली का चार्ट। तो मार्केट आज जो है वो कुछ टाइम मतलब 12 बजे तक थोड़ा सस्टेन कर रहा था, बाद में जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में वो बढ़ गया था क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। अगर हम कल के लिए बात करें तो कल के लिए अपना जो रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में वो रह सकता है 19,250, और जो नीचे के लेवल है अपने के लिए, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहला टारगेट बनेगा निफ्टी में 19,160, दूसरा बनेगा 19,200 और थर्ड टारगेट जो बनेगा निफ्टी में 19,250। आपको 19,250 के आसपास सेलिंग कर देना है। अगर निफ्टी डाउन साइड में जाता है तो पहला जो टारगेट बनेगा निफ्टी में वो बनेगा 19,050, उसके बाद 18,900 तक के भी कल अपने को निफ्टी में टारगेट अचीव हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले लेटेस्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।